हमारी जो ये बहन बेटियां जो ये लगी हुई हैं, अगर ये सुरक्षित नहीं तो ऐसे सम्मान का क्या करेंगे? बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान के लिए वो अपनी जान दांव पे लगा सकते हैं। देखिए राहुल जी आज हमारे अखाड़े पे आए हैं जो छारा में है वीरेंद्र अखाड़ा, और बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो खिलाड़ियों को देखने के लिए आए थे कि भाई कैसा उनका रहने का, ट्रेनिंग का, सोने का, खाने का किस तरह का रहता है, वो देखने के लिए आए थे। तो खिलाड़ियों को भी अच्छा लगा, तो सभी खिलाड़ी काफ़ी खुश थे। वो जिजित्सु करते हैं, वो बता रहे थे कि भाई हमारे गेम में यहाँ से स्टार्ट होता है, ये मूव होते हैं, और हमारे गेम में जो स्टार्ट होता है वो मैंने बताया कि भाई स्टार्टिंग में जो बच्चों को एक बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है, वो बोलते हैं कि भाई धोबी पाट लगाना है या भाई डाक मारनी है, तो वो चीज़ें सब हमने भी उनको बताई हैं। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? आर्य भाई। अच्छा, जो हमारी ओरिजिनल अखाड़े वाली होती है और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें रेसलिंग थोड़ा स्लो हो जाती है क्योंकि मिट्टी में पैर जम जाते हैं। हाँ। इसमें हमने 6 मिनट में ही करना है। आप अपने गेम का कुछ से कोई टेक्निक दिखाओ। नहीं भाई, हमारे गेम का? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। लॉक्स और चोक्स लगाते हैं, आम बार लगाते हैं, एक बार लगा देते हैं। ये पोजीशन है, ये यहाँ से मैं अटैक करूँगा। अगर वो भी होती है तो हमारे चोक्स होते हैं। तो ये तोड़ने के लिए रोल, जो हम जो उन्होंने रोल है ना, हम सिंपल कराना चाहते थे। अगर भी आप सिंपल रोल कर लो, लेकिन उन्होंने तो जो एडवांस बच्चों को रोल सिखाते हैं ना, वो मारा सबसे पहले। ठीक है, फिर बैक लेके हम चोक करेंगे जैसे ये। तो ये हमारा सिस्टम है। अगर हम देश की बेटियों की अगर आवाज हम नहीं उठाएंगे, अगर ऐसे लोग ऐसे ही दबाते रहेंगे, तो देश में कभी भी कोई बच्ची या कोई बेटी कोई बहन आगे आवाज नहीं उठा पाएगी। बोलो बोलो। हम जो ये संजय सिंह अब बनाया फेडरेशन में अध्यक्ष, इसे हम भी हटवाना चाहते हैं। हमारा फ्यूचर इसी में से अगर ये हटेगा, क्योंकि ये ब्रजभूषण का करीब भी है। हम कोशिश जब तक रहेगी जब तक ना हटा लेंगे इतने, भाई सब एक्टिव प्लेयर हम भी तो ये गणे बीजेपी की आईटी से लग रही है। अगर बोले अगर ये तो उतरे उड़ पहलवान ब्रजभूषण का था, मेरा और विनेश का वर्ल्ड चैंपियनशिप पिछले साल 2 ही मेडल आए थे, मेरा और विनेश का आया था। ओनल्ड गेम्स में 3 गोल्ड आया था, साक्षी का भी, मेरा भी और विनेश का भी 22 में ही। और वो बोल रहे हैं कि भाई ये तो वो उसमें चल रहे थे, मेडल आने के बाद तो सब देखते हैं, ज़रूरत है मेडल से पहले की। मेडल एक प्रकार से आपकी तपस्या का चिन्ह है। मतलब मन नहीं था उसको रखने का। वो हमारी जो ये बहन बेटियाँ जो ये लगी हुई हैं, अगर ये सुरक्षित नहीं तो ऐसे सम्मान का क्या करेंगे हम? सबसे बड़ा सम्मान हमारा ये है, भविष्य यही है। अगर ये सुरक्षित है तो हमारा सम्मान अपने आप है, क्योंकि हम रेसलिंग ने सब कुछ दिया है। अगर रेसलिंग का भविष्य ही नहीं है, मतलब आप इन सब की रक्षा कर रहे हो? बिल्कुल जी। कि इनका फ्यूचर कैसा होगा? आपने मतलब आपको फायदा मिला, आपको मेडल मिला, तो आप सोच रहे हो कि भाई अब ये जो बाकी बच्चे हैं उनका क्या होगा? मैंने वो चीजें देखी हैं और बहुत सारी बच्चों ने बताया भी है, पर कुछ लोग हैं जो आज भी सच्चाई की आवाज़। एक हमारे वीरेंद्र गुंगा पहलवान है, वीरेंद्र यादव है, तो वो उन्होंने भी मेरा देख के अपना पद्म श्री वापस किया है। जिनके पास जुबान है वो मुंह से एक शब्द नहीं बोल पा रहे, और उन्होंने बिना जुबान के इतना बड़ा कदम उठा दिया। सही बात है। बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान के लिए वो अपनी जान दांव पे लगा सकते हैं। इन बच्चों को तो बधाई देते हैं जी। अगर इन बच्चियों ने और बच्चों ने आवाज़ उठाई है, बहुत पहले 2014 में उठाई थी। एक सुमन कुंडू लड़की कैंप में थी और उसका घरवाला, उनको रातों रात 20-30 गुंडों ने बाहर भगा दिया 2014 में। किसी की आवाज़ नहीं, ताकत नहीं थी जो आवाज़ उठा दे। इनको बधाई देते हैं। अगर इन ये आवाज़
जो अंदर की आवाज बिल्कुल ग्रास रूट की जो आवाज है वो आवाज को बुलंद किया है इन्होंने। ब्रज बोल रहा है कि पहले आवाज 14 में भी उठाई थी और एक बार 2012 में भी उठाई थी, दो बार आवाज उठाई। एक बार जूनियर की लड़कियों ने कैंप, जूनियर कैंप का काम बात है, उस टाइम पे वो रातों रात FIR भी दर्ज हो गई थी, वो रातों रात हटवा दी। 14 में जिस को सब बता रहे हैं, जिस लड़की का उसके हस्बैंड ने फिजियो थे वो, उन्होंने खुद देखा, उन्होंने आवाज उठाई, अगले दिन उन्होंने कैंप नाम उसको दोनों को आउट कर दिया कैंप से अनडिसिप्लिन करके। और वो बोल रहे कि आवाज किसी की हिम्मत ही नहीं बन रही थी। ये हिम्मत हमारी नहीं, हमारी उन बहन और बेटियों की है जिन्होंने ये हिम्मत जुटाई है आगे बढ़ के कि भाई हम लड़ सकते हैं, तो उनकी हिम्मत है, हमें तो उनका साथ देना चाहिए। पर हमारे लोग पता नहीं किस मानसिकता से आगे बढ़ रहे हैं कि भाई कभी जात पात में घुस जाए। अब तो नौकरी 10 साल से जी स्पोर्ट्स में बहुत कम, क्योंकि नौकरी बहुत कम ही लगी है और ग्रेडेशन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं जी, क्योंकि स्पोर्ट्स तो एक देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर देश का युवा मजबूत हो जाता है तो देश ही मजबूत हो जाता है, ग्रास रूट को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। राहुल जी ने भी आश्वासन दिया कि हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, और बहुत सारे लोग हमें पहले भी ये बोल रहे कि भाई कांग्रेस इनको सपोर्ट कर रही है, हम तो BJP के लिए भी खुला ऑफर दे रहे हैं, क्योंकि ये बहन बेटियां तो आपके घर में भी हैं, अगर किसी बेटे के साथ गलत होता है तो वो सभी को इकट्ठा हो गए उसके जो अपराधी है उसको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। रोटी आपके लिए बढ़वा रखी जी। बड़ा अच्छा बेटा, मैं बहुत खुश हुई आपने देखकर, इतनी खुश हुई। मैं भी बहुत खुश हुआ और मैं समझ गया इसको चला कौन रहा है पीछे से।